Hello children, welcome to ASA Education, your own learning channel. आज हम RBSE बोर्ड की English book English Reader Grade 7th का 10th chapter करेंगे. यह chapter एक poem है. Poem का नाम है Smile, यानी मुस्कराहट. बच्चों जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो poem होती है उसमें कभी-कभी जो शब्द होते हैं उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता. वो poet जो होता है उनको राइम करने के लिए भी जोड़ देता है. लेट्स रीड. स्माइल. मुस्कुराहट एक फनी यानी विचित्र वस्तु है. यह तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां डालती है और जब यह चली जाती है तब तुम्हें उसका गुप्त छुपने का स्थान कभी पता नहीं चलता है. लेकिन इससे ज्यादा वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक यह जानना है कि मुस्कुराहट क्या कर सकती है. जब तुम किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो वो भी तुम्हें देख के मुस्कराता है. तब एक मुस्कराहट दो मुस्कराहट बन जाती है क्योंकि जब तुम मुस्कराए वो किसी और पर मुस्कराता है और वह एक मुस्कराहट वापस आती है और वह एक मुस्कराहट सच्चाई में अंत में तुम गिनती करने में असफल हो जाते हो. अब क्योंकि एक मुस्कराहट केयर करने वाले लोगों को खुश करके कई अच्छे काम कर सकती है इसलिए मुस्कराएं और यह नहीं भूलें कि मुस्कुराहट सब जगह जाती है. तो बच्चों यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है. तो इन समरी पोएट ये कहना चाहता है कि जो मुस्कुराहट है बहुत ही विचित्र चीज है. जब हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वो भी हमें देखकर मुस्कुराता है. इस तरह से जो एक मुस्कुराहट है वो दो में बदल जाती है क्योंकि हम मुस्कुराए और उस व्यक्ति को खुश करते हैं तो वो व्यक्ति भी किसी और को देख के मुस्कुराता है तो वो मुस्कुराहट दो से तीन में बदल जाती है. इस तरह से हम बहुत से लोगों को केवल एक मुस्कुराहट से बहुत से लोगों को खुश कर सकते हैं इसलिए हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एजुकेशनल लगा होगा. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं. अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें. थैंक यू.